से मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदंग समाधियानी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज हम सावित्री बाई फुले के स्मृति दिवस को मना रहे हैं, तो आज का पूरा कंसेप्ट उन्हीं को लेकर मैं कहूंगी और उनकी जो स्मृतियां हैं मैं स्वयं उनके ही शब्दों में स्वयं उन सावित्री बाई फुले के पात्र के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो इजाजत है? हाँ बहन जी, शुरू करें जी। ऐ नारी, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही दुनिया जन्नत है, हम माए हैं, बेटियां हैं, हम बहने हैं, हम इज्जत हैं अपने परिवार और देश की, खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से लेकर मशीन तक, और अपनी अजमत को बचाने युद्ध की भूमि तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े हर कदम हमारी इज्जत है, हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। एक बार मेरे अपनों ने ही सवाल किया कि मैंने मेरे अपनों को क्या दिया, तब मेरा मन जवाब देता है कि अपनों की बेहतरी के लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगी और मैं अपनी आवाज और ऊंची करके कहूंगी कि इंसानियत की मूरत नारी, अपने अस्तित्व की बुनियाद नारी, इस कायनात की निशानी नारी, अपने अस्तित्व की पहचान नारी। ऐ नारी, जब तुम इस दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दुआ बन जाती हो, बीवी के रूप में पति के लिए खुद जन्नत बन जाती हो, और जब माँ बनती हो ना तो जन्नत तुम्हारे कदमों में खुद बखुद आ जाती है। ऐ नारी, तुझे नमन है, बेशक तू ही दुनिया की पहचान है, तुम ही हो जो बेहतर तरीके से एक पुरुष की जीवन संगिनी बनकर उसे सफलता के मुकाम तक ले जाती हो और उसे पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर पीछे आगे पीछे चलती हो। ऐ नारी, तुझे सलाम है, बेशक तू ही दुनिया की शान है, पहचान है। तुम आज भी हर शहर हर मैदान में अपना लोहा मनवाती रही, रमाई सावित्री झलकारी अब तुम में कहीं खो गई। ऐ नारी, भविष्य में तू ही दुनिया की पहचान और शान हो सकती है, जब समन संघ की मशाल उठा, अब समन संघ की मशाल उठा और सावित्री रमाई और झलकारी की शान बचा। इसलिए आज मैं स्वयं सावित्री बाई फुले की भूमिका में उनके संघर्ष की स्मृतियां आपके समक्ष लाई हूं। आज से 125 वर्ष पहले सावित्री बाई फुले ने तुम्हें सिर उठाकर जी सको इसलिए शिक्षा की ज्योति जलाई, उनकी बदौलत तुम अपने आसमान को छू पाई, वैज्ञानिक बनी, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी और बड़े बड़े पदों और ओहदों पर विराजमान हुई। मैं सावित्री बाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, पहचाना मुझे? क्या कह रहे हो सावित्री बाई, यहां क्यों आएगी? मैं आपसे बात करने, आपसे मिलने आई हूं। आजकल लड़कियों को पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा ग्रहण करने जाता देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। ये हमारे द्वारा उठाए गए कष्ट और किए गए संघर्ष का मीठा परिणाम है।
ये सब देखकर मेरा मन बहुत आनंदित होता है। मेरे समय की व्यथा क्या बताऊं आपको। और अरे लड़कियों का शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा के लिए बाहर जाना पाप समझा जाता था। बहुजन समाज के पुरुषों को भी पाठशाला में शिक्षण ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, तो वहां महिलाओं के बारे में कौन विचार करता। महिलाओं को तो सतत पुरुषों की गुलामी में रहना था। मनुस्मृति में ये कहा गया है ना, स्त्री को जब वह उम्र में छोटी रहती है तो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तरुण उम्र में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और बुढ़ापे में पुत्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे में स्त्री को स्वतंत्रता की क्या जरूरत है। ऐसे काल में मैंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षिका बनी और अब सभी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति है। ये देखकर बहुत आनंद होता है, लेकिन कभी कभी मन में विचार आता है कि इन शिक्षित महिलाओं को मैं याद भी हूं या नहीं। इसलिए आज मैं आपके समक्ष उन स्मृतियों को याद दिलाने आई हूं, अपने बचपन की यादों से परिचित कराते हूं। मैं जब बचपन में बहुत ही निर्बाध रूप से बातें करने वाली, प्रश्न पूछने वाली, पानी में तैरने जाती, इमली के पेड़ में इमलियां गिराती, बेर के पेड़ से बेर गिराती, आम के पेड़ पर चढ़ती और गोफन लेकर गोल घूमने का खेल खेलती, ऐसे एक नहीं कई काम मेरे दिन भर शुरू रहते थे। एक बार क्या हुआ, हम आम खाने घूमने निकले तो देखा वहां आम के एक वृक्ष पर पक्षियों के झुंड जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मेरी सारी सखियां भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो देखो नाग नाग। मैंने देखा वहां एक नाग धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। चलो चलो, चूंकि मेरी सारी सखियां आम के पेड़ पर आम गिराने चढ़ी हुई थी, इसलिए वो सब जल्दी जल्दी आम के पेड़ से बड़ी तेजी से उतरने लगी और मेरी सारी सखियां वहां से भागने लगी और मुझे उस नाग पर बहुत गुस्सा आया। मैंने वह नाग पक्षियों के अंडे खा लेता था, तो मैंने उस नाग को अच्छा मजा चखाया। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस नाग को जोर से मारा और वह पत्थर उस नाग के सिर पर जाकर लगा, नाग पेड़ के नीचे से गिर गया। हम वहीं खड़ी खड़ी थी, मेरी बची खुची सखियां गांव की ओर चली गईं। मैंने नाग को पत्थर से खूब मारा और थोड़ी देर में पूरा गांव वहां जमा हो गया और मेरे बाबा आगे आकर मुझे अपने पास उन्होंने खींच लिया। एक बार मैं सिरवल गई थी, एक जगह बहुत सारे पुरुष एकत्र हुए थे, अजीब से गाने गा रहे थे। तब एक गोरा पुरुष मेरे पास आया, कहने लगा कि क्या नाम है बालिका तुम्हारा। मैंने कहा सावित्री, और उस वक्त मेरे हाथ में जलेबी थी। मेरे हाथ में जलेबी का होना उस गुरु गोरे को अच्छा नहीं लगा, कहने लगा रास्ते का खाना नहीं खाते। तो मैंने जलेबी फेंक दी और गोरे साहब ने अपनी बैग में हाथ डाला और मुझे बिस्कुट और पुस्तक मुझे दी। मैं पुस्तक लेकर घर आई, अपनी माता और पिता को मैंने उस पुस्तक को दिखाया। पिताजी ने तो पुस्तक देखकर भय के कारण एकदम उसे दूर फेंक दिया और मुझे डांटा, खबरदार
किसी से कुछ भी लिया तो। मैंने धीरे से जाकर उस पुस्तक को एक कोने में छुपा दिया। अब उस पुस्तक में दिए चित्र मैं देखती, पुस्तक को उलट पुलट करके देखती, लेकिन क्या करूं। तब मैंने निश्चय किया मुझे पढ़ना है, सीखना है, मुझे लिखना सीखना है। उस समय मैं 8 वर्ष की लड़की, और उस समय 8 वर्ष की लड़की की शादी हो जाती थी, मेरी भी शादी हो गई, और मैं ज्योतिबा को सेठ जी कहती थी। सेठ जी उस समय स्कूल जाते थे और घर आकर पाठशाला की सारी बातें बताते थे। सेठ जी को लगता था कि यदि एक पुरुष शिक्षा ग्रहण करता है तो वह स्वयं ही शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री के शिक्षा ग्रहण करने से पूरा कुटुंब शिक्षित होता है। स्त्रियों को शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। खेतों का काम शुरू होने के बाद हमारा शिक्षण शुरू होता था। काली जमीन और जमीन की मिट्टी ही हमारी पट्टी, और आम की जो डाली हमारी कलम होती थी। सेठ जी पूछते ये क्या है, मैं कहती माला, तो सेठ जी कहते लिखो माला ऐसा। फिर सेठ जी पूछते ये क्या है, मैं कहती गाजर, फिर सेठ जी कहते लिखो गाजर। मैं लिखती गाजर, फिर पूछते उसका रंग कैसा, तो मैं कहती लाल, सेठ जी कहते लिखो लाल। ऐसे ही रोज हमारी शाला चलती थी। धीरे धीरे मैं सब सीख गई। 1848 में हमने बालिकाओं की पहली पाठशाला की शुरुआत की। सनातनी लोग विरोध करने लगे, लोग आपस में बातें करते थे और तंज करते थे, कैसा कलयुग आया है, बालिकाओं की पाठशाला खोली है, किसने, माली के लड़के ने, कहाँ खोली, भिड़े की वाड़ी में। भिड़े की वाड़ी में शिक्षा मत दो लड़कियों को, यदि वे अक्षर ज्ञान लेंगी तो कितना बुरा होगा। अरे पाठशाला खोली लेकिन पढ़ाएगा कौन, अरे लेकिन लड़कियां भेजेगा कौन। घर घर सेठ जी जाते और लोगों को समझाते थे, मैं भी जाती थी। धीरे धीरे लड़कियां आने लगी। उन लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करना बड़ा प्रिय लगता था। अधर्म अधर्म, महिलाओं को शिक्षित करके क्या करोगे, क्या शिक्षित कर भी दिया तो क्या। अरे वो मालिन क्या करती है, सिखाने जाती है, धर्म डुबाने वाली, शैतान, बुरा दिन लाने वाली, उसे देख लेंगे। सनातनी गाली देने लगे, मैं पाठशाला जाने लगी। लोग कंकड़ मारते, कभी गोबर फेंकते, गाली देते। मैं रोज एक लुगड़ा साथ ले जाती, पाठशाला जाती तो गंदा हुआ लुगड़ा बदल लेती थी। मैं डगमगाई नहीं, सेठ जी कहते शिक्षण से मनुष्य बदल सकता है, महिलाओं को शिक्षण लेना चाहिए। सेठ जी कहते विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया, धन बिना शूद्र निर्धन हो गया। इतना अनर्थ केवल अविद्या ने किया, यह अवश्य बदलना चाहिए। एक बार मैं शाला जा रही थी, तभी किसी ने मुझे गाली दी। गालियां सुनने की मुझे आदत पड़ गई थी। इतने में एक आवाज आई, ऐ रुक। मैं वैसे ही पीछे मुड़ी और देखा एक व्यक्ति अचानक मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोक दिया और मुझसे कहा, ऐ लड़कियों को पढ़ाना बंद कर, तुझे तो अधिकार नहीं।
वो मुझे धमका रहा था। उसके आजू बाजू उसके समर्थक भीड़ बनाकर उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया। मैंने ताड़ ताड़ गुस्से में उसके मुंह पर जड़ दिया। वो कहां दूर जाकर फेंका गया और उसके सभी साथी भी भाग गए। उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। हमने 4 वर्ष में 18 पाठशाला खोली। हमने बहुत से लोगों की सहायता की। लाहू जी बुआ मांगा जैसे लोग हमारे हम दलितों के घर आते, लड़कों को भी पाठशाला भेजने की बात करते थे। सनातनी लोग बहुत नाराज हुए तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और एक दिन स्वयं ब्रह्मवृंद जोर जोर से मेरे ससुर जी का नाम लेकर पुकारने लगे, गोविंद राव, ओ गोविंद राव, घर में हो क्या? मेरे ससुर जी ने कहा, हाँ हूं ना, कौन है आप? मैं स्वयं ब्रह्मवृंद। तब मेरे ससुर उसे बैठो बैठो कहने लगे तो ब्रह्मवृंद ने कहा, मैं बैठने बैठने नहीं आया, तेरी बहू पाठशाला पढ़ाने जाती है तो अधर्म हो जाएगा, उसका घर से बाहर निकलना बंद कर, नहीं तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। मिटा दूंगा? नहीं, मैं बताता हूं अपनी पुत्रवधु को, मुझे अपनी पुत्रवधु को बताना ही होगा। उसी दिन सेठ जी और मैं पाठशाला से घर वापस आए। मेरे ससुर जोर जोर से सेठ जी को पुकारने लगे, ज्योतिबा, ओ ज्योतिबा। सेठ जी ने कहा, आया, क्या हुआ अण्णा? और ससुर जी सेठ जी से कहने लगे, तू और सावित्री पाठशाला मत चलाओ। ब्रह्मविंद गुस्से में आया था, कह रहा था धर्म डूब जाएगा और वो हमको मिट्टी में मिला देगा। तब सेठ जी ने कहा, ऐसे में धर्म नहीं डूबता अन्ना। तब ससुर जी ने सेठ जी से कहा, तब तुझे घर छोड़ना होगा। तब सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन ज्ञान दान का पवित्र कार्य नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों पहने हुए कपड़े में ही घर छोड़कर निकल गए। पाठशाला का काम निरंतर शुरू हुआ। स्त्री शिक्षा का काम सुचारू रूप से चलता हुआ देख अंग्रेज सरकार ने विशेष समारोह आयोजित कर सेठ जी का सत्कार किया। सेठ जी को शॉल और माला भेंट दी। सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। एक बार सेठ जी संध्या के समय घर आ रहे थे, तब एक महिला नदी में अपनी जान देने जा रही थी। सेठ जी ने उस महिला से कहा, रुको, और बड़ी तेजी से उसके पास जाने लगे। तब सेठ जी ने उस महिला से कहा, क्या कर रही हो? जान दे रही हो क्या? तब उस महिला ने कहा, मैं विधवा और उस पर से गर्भवती हूं, लोग मुझ पर थूकेंगे, क्यों जीवित रहूं? सेठ जी कहने लगे, शांत हो शांत हो। उस महिला ने सेठ जी से कहा, तुम कौन हो? तब सेठ जी ने कहा, तुम्हारा माना हुआ पिता। सेठ जी उसे घर लेकर आए। उस विधवा महिला का नाम काशीबाई और वह ब्राह्मण थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और काशीबाई रोने लगी। मैंने उससे कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा सब करूंगी। उसकी डिलीवरी भी मैंने की। काशीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और मैंने काशीबाई से पूछा, काशीबाई कैसी हो? तो वह कहने लगी, मैं पापी हूं। मैंने कहा, नहीं काशी, तुम पवित्र हो। और मैंने उससे कहा, देख बालक कितना सुंदर है। काशीबाई ने मुझसे कहा कि साहेब, बाई साहेब, आप मुझे एक वचन दो। मैंने कहा, वचन दिया, लेकिन वचन किस लिए बता? तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बालक को आपकी गोद में देती हूं।
उस बालक को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अब तुम ही उसकी माता हो। मैंने उस बालक को अपनी गोद में लिया और उसका नाम यशवंत रखा। मेरा यशवंत बहुत होशियार निकला, डॉक्टर बना और हम दोनों के समाज सेवा की प्रण को उसने आगे बढ़ाया। हमने बाल हत्या प्रतिबंध गृह में अनेक विधवाओं को सहारा दिया। अनाथ बच्चे मुझे मेरे अपने लगते और मैं उन बच्चों को संभालती। उनको खिलाने पिलाने में मुझे बहुत आनंद आता था। उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत विचारणीय थी। उच्च जातियों में ऐसा माना जाता था कि पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्रियों को सती होना ही पड़ता था। उसे उसकी पति की चिता के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। सती बंदी कायदा बना, ब्राह्मण समाज में विधवा का केस काट दिया जाता था। हम दोनों विचार करते थे कि केस काटने के बाद एक स्त्री कितनी कुरूप दिखती है, और मैं सोचती थी कि काटे गए केस का मृतक व्यक्ति के साथ क्या संबंध। मैं सोचती इसे कैसे रोकेंगे। नारायण राव लोखंडे की मदद से पुणे और मुंबई क्षेत्र के नाई एक साथ आए। हमने उनसे कहा विधवाओं के केस मत काटो, तो उन सभी नाइयों ने कहा ये हमारा धर्म है। हमने कहा वो विधवा स्त्रियां बड़े आनंद से तैयार होती हैं, क्या नहीं वे विधवा महिलाएं केस काटते समय रोती नहीं है? हमने उनसे कहा उनको अच्छा नहीं लगा। हमारी ये बात सभी को ठीक लगी और उन सब ने शपथ ली कि हम विधवाओं के केस नहीं काटेंगे, और हमने महिला सेवा बोर्ड की स्थापना की। माँ सावित्री बाई, मैं कहती मैंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उस काल में जाति भेद, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था। उस समय शिव शिवी को बहुत मानते थे। हमने साफ साफ कह दिया कि इस समारोह में शिव शिव नहीं मनाया जाएगा। निमंत्रण कार्ड निकाला गया, जातिगत भेदभाव और पक्षपात न करके सभी धर्म की महिलाएं एक जगह एकत्र होकर तिलकुट बांटे। हजारों सुवासिनी इस समारंभ में उपस्थित हुई। ऐसे में प्रकृति का प्रकोप हुआ और ऐसा दुष्काल आया कि सारे पेड़ और झाड़ियां सूख गई, सारी भूमि उजाड़ हो गई, मवेशी मर गए, घरों में लोगों की मौतें होने लगी। बहुत बुरी स्थिति थी। गरीबों को खाना दिया गया। हमने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे सेठ जी का शरीर थकने लगा। अंत में उनकी शारीरिक हालत और बिगड़ गई। मैं मेरे तरीके से उनकी हर संभव सेवा कर मैंने पूछा क्या चल रहा है। तब उनके रिश्तेदार ने कहा हम यशवंत को उनकी अर्थी उठाने नहीं देंगे। क्या यशवंत हमारा बेटा है? तभी एक रिश्तेदार ने कहा कि मैं तात्या का भतीजा हूं, हम भी तात्या के सच्चे वारिसदार हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगी उम्र भर उनके रास्ते में अड़चने पैदा करने वाले लोग अभी भी वही कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ी और कहा खबरदार, जिसने सत्यशोधक समाज की जवाबदारी उठाई वास्तव में उसी को ज्योतिबा की अर्थी को उठाने का हक है, दूसरे किसी को नहीं। तभी एक रिश्तेदार सामने आया और कहने लगा कि मैं उनका भतीजा हूं, मैं यशवंत को अर्थी पकड़ने नहीं दूंगा। तभी मैंने कहा मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, मैं उनकी अर्थी पकड़ूंगी। अपने मन से दुख को निकाल कर मैं आगे बढ़ी। यशवंत को मैंने अपने साथ ले लिया। अपने स्वयं के हाथों से सेठ जी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी। सेठ जी ने मुझसे कहा था कि मैं
चला भी जाऊं तो भी काम बंद नहीं होना चाहिए। गरीबों के लिए संघर्ष और उनके आंखों के आंसू पोंछे गए। सत्यशोधक समाज का अधिवेशन हुआ और फिर प्लेग आ गया। अचानक मेरी बगल और जांघों में कांटे हो गई। लोग तेजी से मरने लगे। मैंने यशवंत को पत्र भेजा, वह तुरंत आ गया। मैंने यशवंत से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। तब यशवंत ने कहा, मैं दवाखाना शुरू करूंगा, मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। सेठ जी के शब्द और शिक्षा मेरे दिमाग में थे। शिक्षा शक्ति लाती है सेठ जी, और मैंने ये साबित कर दिया। ज्योतिबा सच्चे संत थे, उनकी दी शिक्षाओं पर ध्यान दें। बहुत कुछ सीखो, बहुत मजबूत बनो। अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को दो विचारों की मशाल और इस अव्यवस्था से अपने आप को छुड़ाओ और उनकी विचारों की विरासत को आगे बढ़ाओ। मैं घर घर में एक सावित्री का निर्माण होते देखना चाहती हूँ। ज्योतिबा फुले का निर्माण होना ही चाहिए, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। आपके आजू बाजू की बच्चियों को पढ़ाओ। आज पत्थर गोबर मारने का काल नहीं रहा, अब तो एकत्रित हो जाओ। विचारों की मशाल अपने बच्चों के हाथों में सौंप दो। आपके घर में ही सावित्री बाई का जन्म हो। आपके घर में ही नवीन विचारों की समण संघ की ज्योति जले। और इसके साथ ही मैं अपना शब्दों को विराम देती हूँ। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.
धम्मम शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि।